अभी जब मैं घूम रहा था, घूमते घूमते मैंने देखा कि हमारे राइडिंग क्लब के अलावा एक एक्स्ट्रा गाड़ी भी है यहाँ पे, तो ये गाड़ी पे नज़र पड़ी मेरे को और गाड़ी बहुत ज़्यादा बल्की लगी। क्रूज़र बाइक है ये, ट्रैम की है, रॉकेट 3, और बहुत ज़बरदस्त लगी। तो मैं एकदम उत्सुक हो गया है कि इसके ओनर से मिलना चाहता हूँ कि इसके ओनर है कौन। और अभी आपने जो ऑफ रोड देखा ना, जिससे मैं आया हूँ, उससे इस गाड़ी को भैया चला के लेके आए हैं। तो जैसे कई लोगों के मन में रहता है ना कि भाई क्रूज़र बाइक है तो ऑफ रोड बिल्कुल नहीं कर सकते, तो अपन एवेंजर तो चलो छोटी गाड़ी है ना, तो ये इतनी बड़ी गाड़ी होने के, इतनी बल्की होने के बाद भी आए हैं। तो भैया क्या नाम शुभ लिखते हैं आप? हिमांशु गुप्ता। कहाँ रहने वाले? जगदलपुर से ही है। तो भैया ये गाड़ी को लेके आए हैं, और गाड़ी के बारे में बेसिक बताइए कुछ। गाड़ी ट्रैम्प की रॉकेट 3 है, 2300 सीसी की बाइक है और 150 bhp पावर जनरेट करती है। प्राइस भी बता दीजिए। प्राइस इसका ऑन रोड 24-25 lakhs कुछ पड़ रही थी, पर अभी बंद हो गई है। अभी ये मॉडल पर बंद हो गई है, अभी ये मॉडल बंद हो गई, इसकी अपग्रेड वर्जन आ गई है। अच्छा अच्छा, तो इसको आप जब चालू थी तब लिए थे? हाँ, ये 2019 में मैंने 2019 में भैया ने इसको लिए थे, और अभी तक के वेल मेंटेन है। अभी भी ऐसी लग रही कि नई नई है। अभी तो हम लोग धुल कर दिए, पूरा धुआं धुल कर दिए, क्योंकि काफ़ी एकदम खतरनाक रोड से आए। हाँ, अनिल सर का सवाल है भैया, दीदी का है विदाउट एसी 3.5 का देती है? नहीं, तो भी एक एवरेज बताओ। चलाते चलाते पेट्रोल डालना पड़ता है। 10 का एवरेज देती है। दो बार रेव करते रिजर्व आ जाता है। अब क्या बताओ, दो बार रेव करने में रिजर्व आ जाता है। वैसे तो अगर आप ऐसी बाइक लेने का सोच रहे हैं तो आपको माइलेज के बारे में सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि शौक और बचत दोनों अलग अलग चीज है ना। अगर शौक है तो फिर ये सब देखा नहीं जाता। गाड़ी तो काफी सेक्सी है, और इसमें एक जो मैंने पहली बार देखा, मतलब मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा था कि गाड़ी चेन ड्राइव से नहीं चलती, ये शाफ्ट से चल रही है। ये मेरे को एकदम न्यू देखने मिला। मतलब मैंने अपनी लाइफ में आज तक की ऐसी बाइक नहीं देखा था जो गाड़ी जो है चेन ड्राइव के अलावा चल रही हो। ये शाफ्ट से चलती है, इंजन से यहाँ से शाफ्ट आया हुआ है, और इसके अंदर ऑयल फील्ड है पूरे। ये पूरा का पूरा ऑयल फील्ड है, जिसके अंदर हीट डिसिपेशन भी हो जाता है, तो इसमें हीटिंग का उतना इशू होगा नहीं। पर 2300 सीसी का इंजन है तो हीटिंग का इशू आएगा, इसलिए बहुत बड़ा यहाँ पे रेडिएटर लगा हुआ है। और ये लिक्विड कूल्ड है कि ऑयल कूल्ड है? लिक्विड कूल्ड है, मतलब अलग से कूलेंट डलता है कि इंजन ऑयल अलग से कूलेंट भी डलता है। और जैसे आप देख रहे हैं कि पूरी बॉडी में जगह जगह ऑयल जाता है, तो उसकी वजह से जब गाड़ी चलती है तो ऑटोमेटिकली भी वहाँ से कूलिंग हो जाती है। कितने सिलेंडर की सर? ये 3 सिलेंडर बाइक है। 3 सिलेंडर की है, और सबसे खास बात इसका ये हार्ले जैसा वाइब्रेशन नहीं देता है। अच्छा, इंजन स्मूथ है। चालू कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, करो, चालू करो। चाबी कहाँ लगती है, नीचे कि सामने ही है? सामने। अच्छा, ये ऐसे खोपचे पे, ये देखो ऐसे छुपा के लगती है, कोई चाबी निकाल के रख नहीं सकता, और कोई नया बंदा देखे और चालू भी नहीं कर पाएगा, बोले कहाँ लगती है करके। थोड़ा जान दो, हल्का सा, ज्यादा मत लेना रे, लाइट लेना, लाइट। मैं अभी एक मीटर दूर हूँ, तब भी ताबड़तोड़ एकदम थम पा रहा है, और अगर ये वेव रेव करते हैं तो बहुत ज्यादा विंड आती है, बहुत जबरदस्त। और ये नॉर्मल है, इतनी प्लीसेंट साउंड है एकदम, और इंजन में कोई वाइब्रेशन नहीं है। अभी तो कप नहीं तो कप रख के दिखा देते आपको, एकदम स्मूथ इंजन, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। इधर आना होगा तो दोबारा जरूर मिलेंगे आपसे। और अभी मन तो कर रहा है कि विंडशील्ड बंद कर लूँ अपने हेलमेट की, बट धूल आ रहा है इस वजह से, और गर्मी लग रही है इस वजह से बंद कर भी नहीं सकता, अलग ही फंस गए हैं। केले की खेती, ऑसम व्यू। बहुत प्यारी सी इसी घाटी की बात कर रहे थे, कच्ची घाटी जो बोलते हैं, प्यारी सी चल रही है। शांति से चलते जाना है, गाड़ी को फ्लो में छोड़ना है, गियर में लगा के क्लच छोड़ देंगे, गाड़ी को डुलगने देंगे, क्लच दबाएंगे तो गाड़ी अपना मोमेंटम खुद बनाने लग जाएगी, इंजन से डिस्कनेक्ट हो जाएगी और स्पीड कुछ ज़्यादा हो जाएगा जो कंट्रोल नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे कंडीशन वही रखेंगे
कि अपन गियर सेट करेंगे, गियर सेट करने के बाद में गाड़ी को छोड़ देंगे और उसके हिसाब से इंजन ब्रेकिंग की हेल्प से आराम से नीचे उतरेंगे। घाटी में उतरते हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे अभी भी मैं हल्का पहले ब्रेक लगा लेता हूँ, अभी मैं कोई भी ब्रेक नहीं लगा रहा हूँ और ये गाड़ी आराम से स्लोली से उतर रही है इंजन ब्रेकिंग की हेल्प से। हाँ, उम्मीद से काफ़ी बेहतर है ये ऑफ रोड और ये जो ट्रिप अभी जो चल रही है हमारी, बस्तर देखो सीज़न 2 का जो एपिसोड है, बहुत अच्छा जा रहा है। देखिए यहाँ पे हम भटक ना जाए, स्पेशली यहाँ पे एक सर को खड़ा करा गया है और जी 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 और यहाँ पे बोर्ड है, बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है यहाँ पे, यहाँ से जा रहे और वहाँ से वापस आना है, जोरदार, देख रहे, डरावना भी है मज़ेदार भी। और आज मैं फिर वो बात बोलूँगा कि कौन कहता है कि आपको अच्छी बाइक राइड करने के लिए लद्दाख ज़्यादा ही ज़रूरी है, आप अपने आसपास के एरिया को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, रॉ एरियाज़ को देखिए, पता करिए क्या है वहाँ, एक्सप्लोर करना चालू करिए, आपको डेफिनेटली कुछ मिलेगा। बस ये है कि आपके ऊपर है कि आप वो करना चाहते नहीं चाहते हैं, आप वो जो प्रॉब्लम्स आएगी उनको फेस करना चाहते नहीं चाहते, क्योंकि हमको नहीं पता है नेक्स्ट हमको यहाँ क्या प्रॉब्लम होने वाली है, कि क्या दिक्कत परेशानी हो सकती है, हमको उसको उस कंडीशन के हिसाब से अपने आप को टैकल करना है और मैनेज करना है। यहाँ देखिए, मतलब मैं तो अभी सोच रहा था कि कैमरा ऑफ कर देता हूँ, पर ये देखो क्या व्यू है, जोरदार यार, मज़ा आ गया। लेफ्ट में एकदम ये स्पीति वैली वाला बोलते हैं ना जो, वैसा बस ये यहाँ पे है कि डायरेक्ट आपको दिख नहीं रहा है तो उतना डर नहीं लगेगा, बट है डरावना ये ऊपर का व्यू, ये सामने और ये लेफ्ट पे, हम पहाड़ पे ही है, बहुत ज़बरदस्त चल रहा है एकदम। ये फाइनली विंडशील्ड खोला, धूल आएगी तो आएगी, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। क्या चढ़ाई है बॉस, ओहो सेक्सी, सर लोग मस्त बाय कर रहे वाले। ये तो शायद अभी कोर जोन है, मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया, बट आप देख सकते हैं लेफ्ट राइट हमारे लिए सर लोग यहाँ पे एकदम कंटिन्यूस लगातार है, जैसे हर कुछ दूर की दूरी में, मतलब बहुत अच्छे से हमारे सिक्योरिटी का ध्यान रखते हुए इस राइड में रखा गया है। देखिए मैं जैसे, मेरे को तो पता भी नहीं है कि कहाँ है पहले से करके, मैंने रिकॉर्डिंग चालू नहीं की थी और कैमरा ऑफ कर दिया था बैटरी बचाने के लिए, बट मैंने देखा फिर कि यहाँ लगातार खड़े हुए हैं करके, फिर मैंने चालू किया उनके आधे बीच में, तो उसके बाद भी इतने सारे मिले, मतलब मैं तो एक्सपेक्टेड कम कर रहा था पर एक्सपेक्टेशन और भी बहुत ज़्यादा था। बीच में आपने देखा बॉटल भी लगी हुई थी, तो शायद किसी प्रकार का इंडिकेशन है कुछ है जो लगा के रखा गया है, अब वो तो पता नहीं, अपने को इतनी जानकारी नहीं है। और काफ़ी सारे थे जो जवान हमारे, जो हमारे को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पे खड़े थे, और अभी हम आगे चलते जा रहे हैं कंटिन्यूसली। बहुत ही थ्रिलिंग वाली राइड हो रही है ये, मतलब डर भी मज़ा भी और एक एक्सपीरियंस तो बहुत ही ज़ोरदार है। यहाँ पे अभी कोई दिख नहीं रहा है, बट कुछ देर पहले थे काफ़ी, तो मे भी हो सकता है वो मेन कोर एरिया हो जहाँ पे ज़्यादा ऐसा हो सकता हो कुछ, तो इस वजह से वहाँ पे हमारे प्रोटेक्शन के लिए स्पेशली खड़े करे गए। उसके बाद एक छोटा सा ब्रेक लिए थे, धुलम धुल हो गया पूरा, ये देख रहे हो धुलम धुल हो गया सब तरफ। हाँ ये देख रहे हो भाई की गाड़ी में धूल, ऐसे एक्सपीरियंस हो सकता है, ये धूल। चलो 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 चलते हैं धीरे धीरे, सब हौले हौले मज़ा लेते हुए आगे, और बाकी पहुंच के लगाते हैं क्योंकि गोप्रो में बैटरी बहुत कम है। आज ऐसा लग रहा है कि गोप्रो में और बैटरी होना चाहिए था, पर दूसरा बैटरी हम चार्जिंग में लगा दिए हैं, वहां पहुंच के रिचार्ज देगी, उसको लगा देंगे, टेंशन नहीं रहेगा। तो ये अभी आए हैं कोई दूसरे स्टॉप पे, ध्रुवा डेरा आ गए हैं, और यहाँ पे हमारे शायद खाने का प्रबंध है,
बहुत कस के भूख लग गई है गाइस, एकदम हालत ख़राब हो गई है। 4:20, अगर खाना नहीं मिलेगा मैं चॉकलेट खाऊंगा, कुछ ना कुछ तो खाऊंगा क्योंकि भूख लगी हुई है बहुत कस के, बिना खाए कुछ नहीं हो सकता अब। तो अभी हम थे दुर्गा डेरा होम स्टे में और वहाँ से निकल के काइकिलिंग ले आए हैं। तो कुछ लोग नहाने के लिए गए हुए हैं झरने के पास के 1 किलोमीटर दूर पे, बट गीतेश सर और मेरा और कुछ मेंबर्स हैं हमारे के साथ, ये था कि हम काइकिंग पे जाएंगे क्योंकि नहाना और पानी मस्ती करना तो कहीं भी हो जाता पर जो काइकिंग का मज़ा था वो यहाँ पे हो पाएगा। और यहाँ की स्पेशलिटी भी है वो बैम्बू राफ्टिंग भी है और उसके चार्जेस समथिंग कुछ 50-100 रुपये के आसपास है। गीतेश सर और मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ, इधर से आ रहा है बम्बू राफ्टिंग और ये आगे काइकिंग। तो अभी थोड़ा सा वेटिंग है क्योंकि भैया के पास काफ़ी ज़्यादा कस्टमर्स है तो इस वजह से दिक्कत होगी। तो अभी फटाफट होता है, फिर हम दोनों ट्राई करेंगे, काइकिंग भी करेंगे और बम्बू राफ्टिंग भी करेंगे। हमारे जो बॉस है चला रहे हैं काइकिंग के लिए, चप्पू पकड़ लिए, चालू कर दिया अपना गेम, चालू होने वाला अपना कारनामा जो चालू है लेवल का। उधर पानी है, उधर घूम के आने का। अब आपके साथ आपका ही लॉगिंग करता हूँ, बताइए आपको कैसा लग रहा है काइकिंग करके? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत मतलब मेरे लिए फर्स्ट टाइम रहेगा, मैं देखना चाहता हूँ कि मैं कितना अच्छा कर सकता हूँ करके। अच्छा, तो आप रेट जरूर करिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे भाई को। चैनल का नाम बता दें, ज्ञानचू लाइक करें। तो देखो बॉस, इसको चलाना ना बहुत ज़्यादा आसान है, बस ये है कि जिस तरफ आपको मुड़ना है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको फ्लैपिंग करनी है। जैसे अभी मैं लेफ्ट पे कर रहा हूँ तो हमारी जो कयाक है वो राइट में जा रही है, एकदम सिंपल है। और फॉरवर्ड लेने के लिए कोशिश करेंगे, इसको अंदर ज़्यादा लेंगे और ऐसे हल्का सा बस स्लो पुश करेंगे अंदर, जितना ज़्यादा ऊपर करेंगे अगर अपन ना तो उसमें होगा क्या कि वो एनर्जी वेस्ट होगी हमारी। सर इसको फंसा दिया ऐसा लग रहा है, तो भैया ये देखो ये गीतेश सर इसको यहाँ फंसा दिए है, अब हाथ पैर मार के निकालते हैं यहाँ से बाहर। निकल गया। डरने वाली कोई बात नहीं है, गीतू भाई हमारे साथ है। अभी हम अपना कैकिंग कर लिए, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बैम्बू राफ्टिंग करने वाले थे बट बैम्बू राफ्टिंग में दिक्कत ये हो रही है कि वो बहुत बहुत ज़्यादा दूर वहाँ पे दिख रहा है, बहुत ज़्यादा दूर है, तो उसको आने में काफ़ी समय लगेगा, दोबारा जाने में काफ़ी समय लगेगा और मौसम थोड़ा साथ नहीं दे रहा है, अंधेरा होने वाला है तो दिक्कत हो जाएगी। तो फिलहाल हम चलते हैं और बैम्बू राफ्टिंग का एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे, कुछ लोगों ने हमारी टीम में से किया बट अब बैम्बू राफ्टिंग अपन नहीं कर पाएंगे, तो उसको देखते बाद में कभी और फ्यूचर में कर लेंगे। अभी टाइम हो रहा है 7:10 और अभी हम राफ्टिंग वगैरह करने के प्रोग्राम के बाद में यहाँ टीम का वेट किए क्योंकि वो थोड़ा सा नहाने के लिए गए हुए थे पास में झरने पे, वहाँ पे अपन नहीं गए क्योंकि अपने को राफ्टिंग वगैरह करना था, झरने वाला सीन कल सुबह कर लेंगे। और यहाँ से हम जा रहे हैं तीरथगढ़ में टेंट में स्टे है, बहुत ही मज़े वाला होने वाला है क्योंकि यहाँ पे अभी तक जो भी किए हैं बहुत मज़ेदार है। आज राफ्टिंग भी कर लिए, फर्स्ट टाइम था, मन में था इच्छा कि करना है करके आज वो भी हो गई, एक्सट्रीम लेवल की नहीं थी पर जैसी भी है स्मूथ है, बहुत अच्छी राफ्टिंग होगी, बहुत मज़ा आया। तो अभी चलते हैं और चलने के बाद में बाकी का चीज़ बताते हैं, आगे भी चीज़ देखने के लिए बहुत अच्छी चीज़ देखने वाली है। तो हम अपने डेस्टिनेशन पहुंच गया जहां मैं रुकना था और अभी यहां पे बाहर आप आवाज़ सुन रहे हैं, यहां पे हमारे लिए एंटरटेनमेंट के लिए क्या बोलना चाहिए, यहां पे जो ट्रेडिशनल डांस होता है वो हो रहा है, हमें बताया जा रहा है कि कैसा क्या है करके, हम बहुत सी चीज़ें यहां पे एक्सप्लोर कर रहे हैं। हम अभी अपने टेंट पे हैं, हमने छोटा सा ये हमारी जो लिलिस वाली लाइट है उसका हमने सेटअप किया है, अभी थोड़ा बहुत सामान रखा हुआ है, थोड़ी देर में आएंगे देखेंगे बाकी सामान अमन को। और आने के बाद में सबसे पहले तो हमें फ्रेश होना था क्योंकि
फ्रेश होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो फ्रेश होने के लिए तैयारी कर ली है। तो देखने पे यहाँ पे बंदोबस्त तो कुछ उतना ख़ास नहीं था, बट पास में यहाँ पे टॉयलेट था तो हम टॉयलेट पे गए। और टॉयलेट पे जाके वहाँ पे पानी की भी थोड़ी इशू थी, पर हमने मैनेज किया। और मैनेज करने के बाद में हम वहाँ से वापस फ्रेश होके और नहा के वहाँ से आ गए, क्योंकि अगर आप ऐसा ढूंढते हैं तो आपको डेफिनेटली थोड़ा बहुत मैनेज तो करना पड़ेगा। अब आप ये नहीं बोल सकते कि हर एक फैसिलिटी आपको मिल जाए, तभी तो आप एक्सप्लोर कर रहे हैं ना। और यहाँ पे हमारे जो ग्रुप मेंबर्स हैं वो पूरा इसको एंजॉय करते हुए यहाँ पे इसका मज़ा ले रहे हैं। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 12:33 और हम टेंट में आ गए सोने के लिए। अभी खाना यहाँ का बहुत अच्छा खाना था, और खाना खाने के बाद में सबका इंट्रोडक्शन हुआ, जिसमें सब एक दूसरे को इंट्रोडक्शन दिए कि कौन कहाँ से है, कैसा है उनका प्रोफेशन, क्या है, कब से वो राइडिंग कर रहे हैं और कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा इस राइड को लेके। और देखो बस्टर सीज़न हमारा अभी कैसे चल रहा है। उसके बाद में हम टेंट में आ गए, तो टेंट में आने के बाद एक इशू जो हमको लगा कि थोड़ी सी गर्मी हो रही है, हवा नहीं चल रही है। हमने तो वैसे इस टेंट का रेन कवर जो होता है बाहर का वो निकाल दिया, इसकी वजह से वेंटिलेटेड हो जाइए तो आसानी से विंड आ जा सके, दिक्कत मत जाए। तब भी उसके बाद भी ठंडी नहीं हो लग रही थी, गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा। तो उसके लिए हमने भाई अपना ज्ञानची वाला दिमाग लगा लिया जो कि हमको लगाना था। ये हमारे पास तो लाइट थी पहले, जिससे हम क्या बोलना चाहिए टेंट में लाइट का यूज़ कर रहे थे। तो हमने क्या किया, आपने देखा होगा मेरे पास डी मार्ट का फ़ैन है, तो हमने हमारे डी मार्ट के फ़ैन को कुछ इस तरीके से यहाँ ऊपर लगा दिया, रबर बैंड की हेल्प से इसमें हुक कर दिया है। कुछ एक्स्ट्रा तामझाम नहीं है, अलग से कुछ नहीं किया है, सिंपली नॉर्मल रबर बैंड को लिया है, उसे एडजस्ट करते लगा दिया। साथ में वहाँ से एक USB लगा दिया है और उससे यहाँ पे हमने अपना पावर बैंक लटका दिया है। तो अभी इसमें आप देख सकते हो तीन पॉइंट है, मतलब बहुत बैटरी है। ये फ़ैन हमारा रात भर भी चलेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बहुत कम पावर लेता है और सफिशियंट यहाँ पर हवा रही है। ये गीतू भाई सो रहे हैं, क्या बोलते गीतू भाई? मज़ा आ गया, नींद जो है वो टूटने था, लेकिन अब पंखा लगने के बाद ऐसा हो गया कि क्या बताऊँ मैं, नींद तो बहुत ज़बरदस्त नींद आएगी। और प्राकृतिक हवा के भरोसे रहते तो फिर गर्मी के कारण से पसीना वसीना हो पूरा ख़त्म हो जाते। और जो हमारा कल सुबेरे का प्लान था कि हम वाटरफॉल में जाके नहाएंगे, वो नहीं हो पाता। तो मिलते हैं कल सुबेरे, गुड नाइट।